सत श्री अकाल जी। अज दे ब्लॉग में तुहाडा स्वागत है। अज बन रही है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ते टेस्टी स्वीट डिश, क्योंकि सज्जर गां दे 3 डंगा दा दुध असी रख लिया सीगा ते उस दुध तो मलाई ला के अज बना रहे हैं स्वीट डिश जिहड़ी बनती है बोली दी बर्फी। ते जे तो सारा दुध ही कढ़दे हां तो उसनों बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। इस करके असी सारे दुध तो ला ली मलाई, तो हुण उस मलाई नूं कढ़ाई विच पा के कढ़ रहे हां। तो मम्मी की ड्यूटी मैं लाती है, क्योंकि मैं जाना अज मत्था टेकन, क्योंकि गां का दुध हो गया तैयार। इस करके मैं जा रही हूँ मत्था टेकन, तो हुण मम्मी लग गए है यह दुध काढ़न वास्ते। तुसी देखो भी दुध भी हुण कढ़ के जड़ा है अद्धा रह गया है, तो इस तरह यह कढ़ करके पूरा ही जो खोआ बन जाता है। तो हुण तुसी देखो ये बन गया है खोआ। तो हुण जड़ा या आटा भुन के इस विच ऐड करना है, जिहदे नाल बहुत ही वधिया स्वीट डिश तैयार हो जाती है। तो मम्मी ने जड़ा या वह यह जड़ा कढ़ के अलग कढ़ाई दे विच नहीं कढ़िया, उस दे विच ही आटा जड़ा भुनना शुरू करता है। इस करके थोड़ा जिहा कढ़ाई सड़ गई। मैं मम्मी ने कहा सी, मैं कहा तुसी दूसरी कढ़ाई दे विच भुन लेंदे, चलो कोई गल नहीं जी, इस विच ही तैयार कर रहे हैं। तो हुण इहदे विच कर लिया है मिक्स। तो आ देखो तुसी आटे दे विच मिक्स करके इस तरह हो गया तैयार। तो इधर मैं आपदे लग गई हाँ कम। मैं पा रही सी कपड़े सुकने, क्योंकि कपड़े काफ़ी सीगे धोने वाले, तो सवेरे सवेरे चलो भी धो के सुक जाते हैं, गर्मी का टाइम है, फिर सारा काम निबड़ जाता है, तुरद फिरदे ही ये सुक जाते हैं। तो इधर मम्मी ने करती है तैयार डिश। तो हुण इसनों थाल विच ला के रखना है फ्रिज च ठंडा होने वास्ते। तो मम्मी लग गया तंदूर तपोन, तो मैं लग गई हाँ पेड़े करन। चलो जी फिर इस व्लॉग का एंड इत्थे करते हैं, मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। ते तद तक लई सति श्री अकाल जी। तुसी कर देना वीडियो नूं लाइक, जे तुसी देख रहे हो पहली बारी चैनल, तो चैनल नूं करना सबसक्राइब। ठीक है जी, सति श्री अकाल जी।